हेलो एवरीवन, मैं हूँ जैस्मिन। आप देख रहे हैं फूड फैशन और लाइफ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी हेल्दी, हैप्पी एंड सेफ होंगे, और जो लोग नहीं भी हैं तो उनके लिए मैं प्रेयर करती हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम, जो भी परेशानी है, वो ऊपर वाला जल्द से जल्द दूर कर दे। तो पढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मिनी सा पर्पल हॉल। जी हाँ, मैंने प्रोडक्ट मंगाए हैं कुछ purple.com से, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला प्रोडक्ट है गुड वाइब्स की कोकोनट ब्राइटनिंग फेस क्रीम। प्लास्टिक के छोटे से जार में आती है, जिसका कैप गोल्डन कलर का है और अंदर एक लिड टाइप की लगी हुई है ऐसे, और इसमें नो पैराबेन, नो सल्फेट, क्रुएलिटी फ्री, नो मिनरल ऑयल। मतलब कि इसमें मिनरल ऑयल, सल्फेट और पैराबेन नहीं है, जो कि स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं। और ये क्रुएलिटी फ्री है, मतलब कि एनिमल टेस्टेड नहीं है। लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स एंड अमीनो एसिड, कोकोनट स्लो डाउन स्किन एजिंग एंड बिल्ड स्किन टिश्यूज। मतलब कि कोकोनट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो स्किन टिश्यूज को बिल्ड करने में और एजिंग को स्लो डाउन करने में हेल्पफुल होती है। तो ये एक तरह से एंटी एजिंग ब्राइटनिंग क्रीम है। इसका टेक्सचर बहुत लाइट है, ये स्किन पे हैवी नहीं रहती है, बहुत लाइट टेक्सचर है इसका। बहुत लाइट टेक्सचर, खुशबू अच्छी है और इसका टेक्सचर हैवी नहीं फील होता है। ये बहुत लाइट टेक्सचर है, स्किन में अब्जॉर्ब आसानी से हो जा रही है और हैवी फील नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा प्रोडक्ट है गुड वाइब्स का रोज़ हिप रेडिएंट ग्लो सीरम। ये रोज़ हिप सीरम है, जो कि गुड वाइब्स का है। ये सीरम स्किन इलास्टिसिटी और स्मूथनेस बरकरार रखने के लिए यूज़ होता है, ऐसा इनका क्लेम है। और स्किन का जो टेक्सचर होता है, उसे इवन टोन करने में ये हेल्प करता है। तो ये रहा गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम, जो कि एक छोटे से कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, और ये 10 ml का है, तो बहुत छोटी सी बोतल है। और इसके साथ एक ड्रॉपर आता है, जिससे कि आप निकाल के सीरम आसानी से फेस पे लगा सकें। अगला प्रोडक्ट है बायो ऑयल, बायो ऑयल स्किन केयर ऑयल। ये 60 ml का है, ये भी कार्डबोर्ड के पैकेजिंग में आता है। अंदर इसके प्लास्टिक की ऐसी बॉटल है। बायो ऑयल का ऐड हम लोगों ने अक्सर देखा है टीवी पे, जो कि ड्यूरेशन प्रेगनेंसी, होने वाले स्ट्रेच मार्क्स को दूर करने के लिए दिखाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ उसके लिए नहीं होता, ये स्किन के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। स्किन के कई प्रॉब्लम्स में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये स्कार्स को, पुराने हो या नए हो, उनको फिट डाउन करने में हेल्प करता है, और स्ट्रेच मार्क्स के लिए तो ये है ही, और अनइवन स्किन टोन को इवन करने में भी हेल्प करता है। एजिंग और डिहाइड्रेटेड स्किन की प्रॉब्लम्स में भी ये हेल्प करता है। ये स्किन और बॉडी दोनों के लिए ही यूज़फुल होता है, दोनों के लिए ही यूज़ किया जाता है, और रिंकल स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और बहुत सारे प्रॉब्लम एरियाज़ को कवर करता है, तो स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये एक प्रोडक्ट मैंने मंगाया है। और लास्ट प्रोडक्ट है एक बहुत ही छोटू सा, हैंडी सा ब्लू हेवन का आई शेडो पैलेट। ये मैंने देखा था वेबसाइट पे, तो ये बहुत छोटा सा, मुझे लगा कि ये बहुत हैंडी टाइप का है,
या आप इसे अपने पर्स में बैग में रख के आराम से कैरी कर सकते हैं, बहुत छोटा सा है, जगह नहीं लेता है। तो ये कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड पैकेजिंग है इसकी, और बहुत छोटा सा प्लास्टिक का पैलेट है ये, बहुत ही छोटा सा हैंडी सा प्लास्टिक का पैलेट है ये। इसमें चार कलर हैं और ये ऐसे ऐसे खुलता है, ऐसे ये ऐसे, इसमें चार कलर हैं। इसमें एक ऐसा एप्लीकेटर टाइप का है जो कि यूज़फुल नहीं होता है, और प्लास्टिक का ऐसा कुछ ऊपर से कवर टाइप का लगा है, और ये ऐसा ट्रांसपेरेंट सा है आगे से। और इसमें चार कलर हैं, एक गोल्डन है, एक ब्लू है, एक ऑरेंजिस टाइप का ब्राउन टाइप का कलर है, और एक मॉविश पर्पल टाइप का कलर है। चार कलर हैं इसमें, जिसमें से कि गोल्ड और पर्पल और मॉविश टाइप का कलर जो है, और जो हल्का सा ऑरेंजिस ब्राउन टाइप का कलर है वो तो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड तो नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक है। बट ब्लू वाला कलर थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा, उतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है इन तीनों के अकॉर्डिंग। बाकी मतलब कि ठीक ठाक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, चल काम चला सकते हैं आप इससे। इसका मॉव कलर खासकर मुझे पसंद आया है, जो हल्का सा पर्पल टाइप का मॉव कलर है वो बहुत प्यारा मुझे लगा। और बाकी हैंडी सा है, छोटू सा है, तो इसलिए मैंने खरीद लिया कि ये आपके पर्स में बैग में आसानी से आ सकता है, आप इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं, बहुत छोटा सा है। तो ये था एक छोटा सा मिनी सा मेरा पर्पल हॉल, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ी सी भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, थोड़ा सा भी ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।